उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दिया। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर वाराणसी के मलदैया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर वाराणसी बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्र भारत को एक भारत के रूप में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में उनका योगदान नए भारत के शिल्पी के रूप में रहा। सीएम योगी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 653 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज का जो भारत है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है, इसलिए पूरा देश भारत में अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर उनके प्रति स्वाभिमान होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन्हीं मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर नर्मदा नदी के किनारे सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की है, जो वह एक आज तीर्थ बन गया है, जो सरदार पटेल के मूल्यों और आदर्शों को हम सभी को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज उनके पावन पुण्यतिथि पर देश के इनके आदर्शों का स्मरण कर हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 74वीं पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्र भारत को एक भारत के रूप में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धावनौत होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन्हीं मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर नर्मदा नदी में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की स्थापित की है। वो आज एक तीर्थ बन गया है जो लौह पुरुष के मूल्यों और आदर्शों से हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर देश के प्रति उनके योगदान का स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।